जय मसीह की फेथ टॉक सीरीज एपिसोड 65 में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए वो विश्वास योग्य है। रोमियो अध्याय 3 का 1 से 8 तक आज हम अध्ययन करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। रोमियो अध्याय 3 का 1 से 8 तक। अतः यहूदी की क्या बड़ाई या कतने का क्या लाभ, हर प्रकार से बहुत कुछ। पहले तो वह कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए हैं। आज हम अध्ययन करेंगे, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कतना परमेश्वर की ओर से सर्कमसिशन क्या है। जो शरीर में जो कतना होता है वो नहीं है, लेकिन मन में जो कतना परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग करना, परमेश्वर का जन कहला जाना, वो है सही कतना। लेकिन क्या हम यहूदी लोग, कई लोग परमेश्वर का आज्ञा को तोड़े, प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने माना नहीं, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार कई लोग चले नहीं है, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने यहूदियों को बिल्कुल छोड़ दिया? पौलोस कहते हैं बिल्कुल नहीं है। तो यहूदी होने का या खतने करते हुए या परमेश्वर का, परमेश्वर के लिए अलग किए वो लोग बनने का क्या फायदा है, क्या लाभ है? पौलोस कहते हैं कि हर प्रकार से यहूदी लोग का बहुत लाभ है। क्या है वो? कहते हैं कि पहले तो परमेश्वर का वचन उनको सौंपा गया था। हमें तो अभी मिली थी परमेश्वर का वचन, लेकिन यहूदियों को कई साल पहले परमेश्वर ने उनको अपने मन की बात, परमेश्वर ने अपने इच्छा को परमेश्वर का वचन के द्वारा उनको दी गई है। हम अब्राहम से लेकर देख सकते हैं कितना वायदाएं परमेश्वर ने उनसे की है, कितने चीजें परमेश्वर ने उनके लिए बनाई है, और परमेश्वर ने अपने योजना को उनके साथ शेयर किए हैं अपने वचन के द्वारा। तो हम अब्राहम से लेकर हम पूरा भविष्यवक्ताओं की किताबें, हम ये सारे चीज हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे पहले ही, जो मसीह लोग हैं, मसीह के बाद जो आए थे, उनसे पहले ही परमेश्वर का वचन जो है उनके लिए, उनके हाथ में सौंपा गया था। इसलिए वो लोग विशेष है और अलग है। उसके बाद यदि हमें लगता है चलो ये सब तो ठीक है, परमेश्वर ने उनको अपने वचन को उनको दर्शाया है, परमेश्वर ने अपने आप को अपने वचन के द्वारा यहूदियों को पहले रिवील किया है, उसके बाद हम अन्य जातियों को रिवील किया है, लेकिन क्या परमेश्वर ने बिल्कुल यहूदियों को छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं। यहां लिखा गया है कि यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? पौलुस कहते हैं कि कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं है। यदि कुछ यहूदी लोग विश्वासघाती बन गए हैं, कुछ यहूदी लोग परमेश्वर का वचन को माने नहीं है, कुछ यहूदी लोग परमेश्वर के वायदाओं को भूल गए हैं, परमेश्वर से दूर चले गए हैं, या प्रभु यीशु मसीह को वो ग्रहण नहीं कर पाए हैं, क्या इसका मतलब परमेश्वर ने जो वायदा उनके लिए किया है, परमेश्वर ने जो वाचा उनके साथ बांधी है, वो सब खत्म हो गया? पौलुस कहते हैं बिल्कुल नहीं। यदि वो विश्वासघाती होने के बावजूद भी परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर अपने वायदाओं को वो जरूर पूरा करेंगे। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि जो वायदा उन्होंने कल किया है आज परिस्थिति को देख के, अच्छा ये तो आज इस वायदा का योग्य नहीं है बोल के अपने मन को बदलने वाला नहीं है। कई बार हमें लगता है कि हमें हमारे चाल चलन को देखकर परमेश्वर अपने मन को बदल लेंगे, हमारे हरकतों को देखकर परमेश्वर अपने मन को बदल लेंगे। यदि आपको लगता है, इसका मतलब आप कोई झूठ को विश्वास कर रहे हैं। शैतान बहुत चलाक है, हमारे मन में ऐसे चीजों को डालता है कि तुम परमेश्वर से इतना दूर चले गए हो, अभी आप परमेश्वर के पास आ नहीं सकते हो। इन बातों को परमेश्वर शैतान हमारे मन में डालता है, लेकिन परमेश्वर कई बार हम जानते हुए और अनजान में परमेश्वर के विरोध में हम गलत काम करते हैं, विश्वासघाती करते हैं, लेकिन परमेश्वर फिर भी
हमारे प्रति विश्वास योग्य रहेंगे। इसमें लिखा है कि परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर सच्चा ठहरे और हर मनुष्य झूठा, क्योंकि परमेश्वर का वचन वो कभी अधूरा नहीं रहता है और परमेश्वर के वायदा है कभी वो अधूरा नहीं रहता है। परमेश्वर के वायदा है जरूर पूरा होंगे हम यदि विश्वास योग्य रहते हैं फिर भी, क्योंकि परमेश्वर अपने आप को चेंज नहीं करने वाले हैं। तो कई बार हम ये केवल यहूदियों के लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। हमारे लिए क्या है, कई बार हमें लगता है कि हम परमेश्वर को, परमेश्वर के आज्ञा को मान नहीं पाते हैं, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चल नहीं पाते हैं, कई बार हम परमेश्वर के आज्ञाओं को तोड़ते हैं तो हमें लगता है कि परमेश्वर हमें छोड़ देंगे। नहीं, परमेश्वर हमारे लिए इंतजार करते हैं। यदि हम उड़ाव पुत्र का कहानी में देखते हैं, वो एक परमेश्वर पिता का एक उदाहरण है। वो उनके बेटा इतना गलत काम करने के बावजूद भी वो पिता उसके पुत्र के लिए इंतजार करता है। परमेश्वर भी हमारे लिए इंतजार करते हैं और परमेश्वर के वायदाएं, परमेश्वर के योजनाएं हमारे कमजोरियों के बावजूद भी, हमारे विश्वास योग्य नहीं रहने के बावजूद भी परमेश्वर के वायदाएं हमारे जीवन में जरूर पूरा होंगे। हाँ, बीच में हमारे गलतियों की वजह से हम कई बार अपने जीवन में दुखी को या परेशानियों को हमें झेलना पड़ सकता है, क्योंकि जो भी हम गलत काम करते हैं उसके फल तो हमारे जीवन में हम काटते ही हैं, लेकिन परमेश्वर अपने वायदाओं को जरूर पूरा करते हैं। यदि इसका मतलब ये है कि कुछ लोग क्या कहते हैं, परमेश्वर तो विश्वास योग्य है, हम कुछ भी करें परमेश्वर फिर भी हमें आशीषित करेंगे, परमेश्वर के वायदे हमारे जीवन में जरूर पूरा हुए हैं। लेकिन तो इसका मतलब क्या है, क्या हम पाप करते रहें? पौलुस कहते हैं बिल्कुल नहीं। यदि कोई ऐसा कहता है मैं बुराई करते रहूंगा तभी तो परमेश्वर का भलाई सबके सामने दिखेगी, यदि कोई ऐसा कहता है इसका मतलब वो दोषी ठहराया जाएगा, इसका मतलब वो परमेश्वर के परिवार में अभी तक शामिल नहीं हुआ है, वो परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव अभी तक नहीं किया है, इसलिए वो अपने उस कामों में लगातार बना रहता है और घमंड के साथ कहता है कि मैं कुछ भी मैं करते रहूंगा फिर भी परमेश्वर विश्वास योग्य रहेगा। नहीं, यदि हम कहते हैं परमेश्वर हम इतना सारे गलतियां हम करते रहेंगे फिर भी परमेश्वर हमारे प्रति विश्वास योग्य रहेगा, इसका मतलब ये है क्लियरली हम परमेश्वर के संतान बने ही नहीं। कभी कभी हम वहम में रहते हैं, कभी कभी हम गलत सोच में रहते हैं कि मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमारे मुंह से हम बोलते हैं, हम सबके सामने अच्छा जैसा दिखते हैं, लेकिन हमारे चाल चलन को देखते हुए लोग पहचान सकते हैं ये व्यक्ति नहीं है, क्योंकि इनका जीवन में परमेश्वर का गुण, प्रभु यीशु मसीह का चरित्र हमारे जीवन में नहीं दिखता है, तो हम परमेश्वर के परिवार में शामिल नहीं हुए। यदि हम परमेश्वर में परिवार में शामिल हो चुके हैं, यदि कई बार हमारे जीवन में कभी कभी गलतियां होती है फिर भी परमेश्वर हमारे प्रति विश्वास योग्य रहेंगे। यदि हम सोचते हैं कि हम गलतियां करते रहेंगे, हम वही कल जो किया था आज भी वही करेंगे, वही बात को हम बार बार दोहराते रहेंगे और कहेंगे कि हम गलतियां कर रहे हैं ताकि परमेश्वर के भलाई हमारे जीवन में सबके सामने प्रकट हो सके, इसका मतलब है पौलुस कहते हैं कि वो जरूर दोषी ठहराया जाएगा। तो आज का वचन से मैं ये बताना चाहता हूं हम विशेष लोग हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर का वचन दिया गया। जैसे यहूदी लोग विशेष है क्योंकि उनको परमेश्वर ने हमसे पहले अपने वचन के द्वारा उनको अपने आप को दर्शाया, वैसे ही हम भी विशेषित लोग हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है, परमेश्वर की आत्मा हम में वास करता है। इसलिए यदि हम कभी कभी
कई बार हम विश्वास योग्य रहने के बावजूद भी परमेश्वर हमारे प्रति विश्वास योग्य रहता है, क्योंकि परमेश्वर अपने आप को बदल नहीं सकता। पर दूसरा तीमोथियुस 2:13 में लिखा है कि यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह अपने आप को इनकार नहीं कर सकता। दूसरा तीमोथियुस 2:13 में ऐसा लिखा है, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह अपने आप को इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का कैरेक्टर ही ऐसा है, वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकता। यदि एक बार हमें परमेश्वर ने अपने परिवार में शामिल कर चुका है तो हम उसके परिवार में है, इसलिए हम हर समय परमेश्वर के सामने जाते हैं एक ही आप के साथ, एक बोलनेस के साथ जाएं, क्योंकि और बुलाएं अब्बा पिता मेरे जीवन में ऐसा गलतियां हो चुकी है, मैं आपके पास दोबारा वापस लौट के आना चाहता हूं। तब उस उड़ाव पुत्र ने, वचन में लिखा गया कि तब उसने होश में आया, अपने पिता के पास दौड़ कर आया। हमें हमारे होश में वापस लाना जरूरी है और पिता के पास लौट के आना जरूरी है, क्योंकि पिता हमसे बहुत प्रेम करते हैं। मैं विश्वास करता हूं आज के एपिसोड से आप आशीषित हुए हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।